हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। तो कल फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जीतिया की व्रत की तैयारी में प्रसाद बना रही थी, लेकिन जिस दिन मेरा व्रत था मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसी वजह से दिन भर कोई व्लॉग मैं नहीं बना पाई। और आज पारण है, थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, तो आज मैंने फिर व्लॉगिंग स्टार्ट की है। मैं सोचा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, और मेरी आवाज़ बहुत ख़राब जा रही होगी तो मैनेज कर लीजिएगा गाइस। मैंने थोड़ा सा ना मतलब मेरे गले में भी प्रॉब्लम हो गई है, मैं बोल भी नहीं तेज से पा रही हूँ। तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ तो अपना चलता रहेगा, क्या क्या बन रहा है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, पारण में क्या क्या करते हैं। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ जो छूते हैं सामान, आटा, दाल, दान का सामान, तो वो सब धीरे धीरे से लगा रही हूँ, अपना और मम्मी का। और ये है चने की दाल जिसके पकौड़े मैं बनाती हूँ, और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे निगलते हैं व्रत तोड़ने से पहले। तो जी, ये बन रही है हमारी कड़क मसालेदार चाय, जिसमें कि पहले तुलसी के पत्ते डाल दिए गए हैं। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ कूटने अपना काली मिर्च और लौंग, अच्छे से कूट के डाल दूंगी। आज की चाय इतनी कड़क बनेगी कि मतलब कान से धुएं निकल जाएंगे। आज की चाय में ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, अपने आप ही इतनी ज़बरदस्त बनती है ना कि मतलब बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं पकौड़े, तो चाय और पकौड़े दोनों ही लेकर के मैं और सासू माँ बैठ गए अपना व्रत खोलने के लिए। तो सबसे पहले हमारे वहाँ इसे लेकर के निगलते हैं गर्म पानी से। तो मैं पहले इसे निगल लेती हूँ बारी बारी से। ये जो मूँग की दाल होती है, साबुत की दाल, उरद की दाल, उरद की साबुत दाल, मम्मी कह रही। और ये चने, तो बारी बारी से इन्हें मैं निगल लूंगी पानी से। तो फ्रेंड्स, बनाने जा रही हूँ अब कढ़ी भजी। तो ये बढ़िया मैंने तल ली हैं, और यहाँ पे वही वाला ऑयल है जिसमें मैंने बढ़िया तली थी, इसी में फ्राई कर दूंगी। तो फटाफट से सारे इंग्रेडिएंट बताती जाती हूँ। तो कढ़ी में मैं सबसे पहले डालूँ मेथी। ऑयल अच्छे से गर्म हो तो मेथी डालिए कि वो चटक करके कलर चेंज कर दे। अब जब तक ये कलर चेंज नहीं कर देगा तब तक मैं इसमें और कोई तड़का नहीं डालूंगी। अब देखिए, तो अब देखिए ये कलर चेंज कर दिया है, तो इसमें बाकी की चीज़ें मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद से ढेर सारा हमारा पड़ेगा करी पत्ता, और यहाँ पे पड़ेगी ढेर सारी घी, और बस उसके में डाल दूँगी मैं अपना ये तड़का। पूरा लहसुन, मिर्चा और प्याज कट करके मैंने रखा था, अब इसको उसमें डाल दूँगी और इसे फटाफट से चलाऊँगी। यानी बहुत अच्छा प्यारा सा भून करके सुनहरा भून लेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा सुनहरा भून गया है, और अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, क्योंकि हल्दी इसमें डालने से हल्दी का कच्चापन जो है कड़ी में नहीं आएगा। हल्का सा, बस जरा से इसे भूनेंगे तो तुरंत ही भून जाएगा ऑयल में पड़ते ही। और थोड़ा सा नमक भी मैं अभी डाल रही हूँ, और डाल करके इसे मिक्स कर दूँगी। बस अब इसमें हमारा कड़ी का घोल जाएगा फ्रेंड्स। ये गया हमारा कड़ी का घोल, ऐसे काफ़ी देर तक पकाते हैं इसमें दही आँच पर, और इसमें थोड़ा सा मैं दही फेंट करके भी डालूंगी, कि बिना दही का हमारे वहाँ नहीं बनता है, दही वाला ही बनता है। आपने सुना होगा फ्रेंड्स, जब बॉयल आता है कड़ी में तो लोग कहते हैं कड़ी फट जाएगी, बॉयल नहीं आने देना चाहिए, कंटिन्यू इसे चलाते रहना चाहिए। लेकिन जब हम दही डाल देते हैं ना, ये देखिए मैंने दही फेंट के बहुत अच्छे से रखी है, दही डाल देते हैं तो कड़ी कितनी भी बॉयल होगी उबाल आएगा, फटेगी नहीं। तो इसमें अब ये बहुत ढेर सारा हो गया, तो नमक तो कम पड़ेगा ना, तो नमक मैं इसके अकॉर्डिंग डाल दे रही हूँ, और इसे छोड़ दूंगी कि इसमें उबाल आए। लेकिन जैसे ही इसमें उबाल आए इसे तुरंत चेक करिए और गैस को थोड़ा सिम कर जाए, ताकि धीरे धीरे उबाल आए। बहुत गैस तेज रहेगी और उबाल आएगा तो वो उफन के नीचे गिर जाएगा। गाइस, मैं और शुभी अब जा रहे हैं छत पे, क्योंकि मुझे रील्स बनाने बहुत सारे, और मैं अभी सो के उठी और मुझे फिर नींद आ रही है, मैं सोची रील बना के फिर सो जाऊं। तो चलो चलते हैं गाइस, आपको भी साथ में लेके चलते हैं। Oh, 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 oh
रील्स, स्लोमो, पिक्चर, सेल्फीज, बूमरैंग सब कंप्लीट हो गया और अब मैं फ्री हूँ, लेकिन अब मैं सो नहीं पाऊंगी। कितना टाइम हो रहा है? ओके बताती हूँ, 5:00 बजने वाला है। 6:00 वाला गाइस, मैं सो नहीं पाऊंगी, मुझे कॉपीज भी कंप्लीट करनी है। तो हाँ, और आप बताएगा मैं कैसे लिखती हूँ, मैं क्यूट सी लग रही हूँ, प्यारी प्यारी। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे एंड चलो दिखाती हूँ नीचे क्या हो रहा है। कबूतर के झुंड में जा रहे हैं ऐसे, लेकिन जब मेरे रील्स बनते हैं तब ये सब इधर नहीं आता है झुंड में, क्योंकि वो पीछे से बैकग्राउंड खूबसूरत दिखे। और बहुत सारे कपड़े हैं, अब मुझे वो भी उतारना है। शुभी तो जा रही है क्योंकि उसका लेट हो रहा है, मैं कपड़े उतार के तब नीचे जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए एंड पॉजिटिविटी बढ़ते रहिए। बाय बाय।